Hey my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. So, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ. जी हाँ, जो कि होने वाला है बहुत ही इजी, क्विक एंड सिर्फ इन चार प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि ज़्यादातर सबके पास अवेलेबल होता है. कोई और प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना. एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो सबसे पहले हमें अपने फेस को करना है मॉइस्चराइज. उसके लिए आप कोई भी अपनी फेवरेट मॉइस्चराइज क्रीम ले सकते हैं, मॉइस्चराइजर ले सकते हैं. मैं यहाँ पे जॉनसन बेबी क्रीम ले रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए. ओके, जब भी आपको मेकअप करें या कोई सा भी मेकअप लुक क्रिएट करें या नॉर्मल मेकअप भी करें, तो प्लीज़ गाइज फेस को अच्छे से आप वॉश ज़रूर करना. फेस में कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल हो या ना हो, प्लीज़ मॉइस्चराइज क्रीम ज़रूर लिया करो मॉइस्चराइज करने के लिए अपने फेस को. ओके, सो मॉइस्चराइज कर लिया है मैंने अपने फेस को. एंड उसके बाद में जो बीबी क्रीम है, मैं उसको अपने डार्क सर्कल वाला एरिया जो होता है, जो थोड़ी सी अनइवन स्किन होती है, वहाँ पे मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ आँखों के नीचे एंड आँखों के ऊपर. ठीक है, फिंगर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है. इस वीडियो में मैं कुछ भी चीज़ कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो जिसके पास अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं, बट मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जिसके पास ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. ओके, फेस पे अच्छे से डैब डैब करने के बाद अप्लाई कर दिया है. एंड मैं एज अ फाउंडेशन सेम उसी क्रीम को मैं अप्लाई कर रही हूँ, बीबी क्रीम को एज अ फाउंडेशन. सो ब्यूटी ब्लेंडर नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, सो हम फिंगर का यूज़ कर रहे हैं. आप याद रखिए, जब भी अपनी फिंगर का यूज़ करें तो बहुत ही धीरे धीरे यूज़ करें. अगर आप फिंगर को बहुत ही हार्डली उसको रब तरीके से करेंगे, तो आपका जो फाउंडेशन है वो 5 मिनट में ही क्रैकी हो जाएगा एंड बहुत ही भद्दा लुक देगा, जो बहुत ही गंदा लगेगा. ठीक है, धीरे धीरे फिंगर से अप्लाई करना है फाउंडेशन को, क्योंकि सिर्फ चार प्रोडक्ट मैं इसमें दिखा रही हूँ जो ज़्यादातर सबके पास अवेलेबल होता है. बहुत ही सस्ता हो तो भी ये सेम लुक आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, कोई कॉम्पैक्ट में यूज़ नहीं कर रही हूँ. ओके, नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, आईब्रोज को बनाना है. आईब्रोज के लिए आपको कोई भी काजल पेंसिल होती है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, किसी के पास काजल नहीं भी है तो कोई भी जो पतला सा ब्रश होता है ना वो ले लो, और जो हमारे पास जेल काजल आता है ज़्यादातर अवेलेबल होता है वो लोगों के पास, तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, काजल अप्लाई कर लिया है, तो आई शेडो के लिए मैं जो लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ ना, उसी का सेम कलर मैंने लिया है. आपको क्रीज वाले जो आईलेट वाला एरिया होता है वहाँ पर आपको लगाना है, और सारा खेल यहाँ पे मेकअप का होता है ब्लेंडिंग का. तो आपको फिंगर से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है. मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से अंदर की साइड, और क्योंकि मैंने फास्ट फॉर्मेट में करके दिखाया है वरना इस चीज़ों को टाइम लगता है. ठीक है, तो आपको धीरे धीरे लगाना है, अप्लाई करना है. एंड जिस शेप में मैं बाहर से अंदर की साइड लगा रही हूँ और अंदर से बाहर की साइड, ठीक है, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. नेक्स्ट, एज अ ब्लशर मैं लगा रही हूँ सेम लिपस्टिक को, एंड बहुत ही लाइटली सा टच किया है. एंड जिस शेप में मैं लगा रही हूँ, याद रखना चिक के एरिए से, नोज़ वाले चिक वाला एरिए से आपको पीछे ऊपर की साइड शेप में लेके जाना है. एंड धीरे 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 उसको ब्लेंड करना है. ठीक है, हार्श मत होना, मेकअप बहुत गंदा हो जाएगा वरना तो. ओके, सो ब्लेंड कर लिया है. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सेम जो आईब्रो पेंसिल मैंने बनाई थी, आईब्रो पेंसिल को मैंने उसी पेंसिल से मैं आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, तो आपको उसी से धीरे धीरे अपना चिपकाते हुए आईलिड वाले एरिए से एंड सिंपली आपकी आई शेप में आईलाइनर को लगा लेना है. ठीक है, आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, कोई आईलाइनर कोई मस्कारा कुछ मैं अप्लाई नहीं करने वाली हूँ. और एज अ काजल, क्योंकि मेरे ऊपर काजल मुझे ऐसा लगता है कि सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे लगाती हूँ. अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे सूट करता है तो यू कैन अप्लाई द काजल, आप काजल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सो ऑब्वियसली आप देख रहे हो मेकअप तो अच्छा लग ही रहा है. सो अभी लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं. लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है मैंने ऑलमोस्ट, और मेकअप लुक ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है. तो बिंदी रह गई है, मंगलसूत्र पहन रही हूँ, और अपनी जो भी ज्वेलरी आपको पहननी है आप पहन लीजिए. एंड बालों को मैंने खोल लिया है. एंड आई नो ये लुक आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना.
सो गाइस, सिर्फ मैंने 4 प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट किया है. बहुत लोगों के पास मेकअप होता नहीं है, सो उन्हीं सब के लिए वीडियो थी. वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू.